अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल में लगी आग ने भीषण तबाही मचा दी है। इतिहास की सबसे भयावह आग की चपेट में आए 14 और लोगों के शव शनिवार को बचाव कर्मियों ने बरामद किए। इन शवों के सामने आने के बाद घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। आपको बता दें कि उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग तेजी से फैलती जा रही है। इसे कैलिफोर्निया प्रांत के इतिहास में सबसे भयावह आग बताया जा रहा है। आसपास के इलाकों में रह रहे हजारों लोग खतरे को देखते हुए अपने बच्चों और पालतू जानवरों को साथ लेकर वहां से अपनी जान बचाकर भागने को मजबूर हैं। इस भयंकर आग की दहशत में पास का एक समूचा शहर खाली हो गया। आग की चपेट में आने से इन इलाकों के हजारों घर तबाह हो गए हैं। सैन फ्रांसिस्को से करीब 290 किलोमीटर दूर लगभग 27,000 की आबादी वाले शहर पैराडाइज के हर व्यक्ति को बाहर निकलने का आदेश दिया गया है। देश की फायर फाइटिंग एजेंसी के मुताबिक आग के कारण हजारों इमारतों को नुकसान भी हुआ है। उत्तरी कैलिफोर्निया में 80 से 90% मकान तबाह हो चुके हैं।